नमस्कार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं नामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खास खबरें। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला और किया लोकार्पण। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अवार्ड किया गया MMLP चेन्नई को विकसित करने का कार्य। श्री नितिन गडकरी ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को दी कई परियोजनाओं की सौगात। मंत्रालय ने कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने का लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 6 लेन के ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के आंध्र प्रदेश खंड और कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन को जोड़ने वाली एक डेडिकेटेड पोर्ट रोड की आधारशिला रखी। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं डेडिकेटेड पोर्ट रोड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के औद्योगिक नोड से विशाखापट्टनम बंदरगाह एवं चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे के बीच संपर्क प्रदान करेगा। डेडिकेटेड पोर्ट रोड विशाखापट्टनम में स्थानीय और बंदरगाह से जुड़े माल यातायात को अलग करके यातायात की भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री ने श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के रूप में NH 326A के नरसन्नापेटा से पथापट्टनम खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में विभिन्न हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मंत्रालय के सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री को उन परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया। मंत्रालय ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क चेन्नई को विकसित करने का कार्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अवार्ड कर दिया है। भारत माला परियोजना के तहत PPP के आधार पर मंत्रालय की यह पहली MMLP परियोजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 26 मई को इस परियोजना की नींव रखी थी, जिसकी अनुमानित लागत 1,424 करोड़ रुपए है। यह 184 एकड़ क्षेत्र में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर चेन्नई में विकसित की जा रही है, जो कि चेन्नई पोर्ट से लगभग 52 किलोमीटर, एनोर पोर्ट से 80 किलोमीटर और कट्टुपल्ली पोर्ट से 87 किलोमीटर और चेन्नई हवाई अड्डे से 44 किलोमीटर दूर स्थित है। MMLP को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा तथा पहले चरण को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जब से वाणिज्यिक संचालन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क संपर्क के जरिए मध्य प्रदेश की प्रगति को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से जबलपुर में 4,054 करोड़ रुपए की लागत वाली 214 किलोमीटर लंबाई की कुल 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मंडला में 1,261 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 329 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नितिन गडकरी ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली आगामी नई परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। गुवाहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सड़कें, रोपवे, आरओबी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं अन्य जल निकायों पर बड़े पुल शामिल हैं। श्री गडकरी ने कहा कि त्रिपुरा के उदयपुर और असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी की कमी को पाटने और इस क्षेत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में सरकार तत्पर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मंत्रालय में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि अन्य भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए समय सीमा बनाकर काम करने की बात कही। इस बैठक में मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार और उपयोगिता के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पत्रावलियों में सरल हिंदी का प्रयोग करें, जिससे इसके प्रयोग में आसानी हो सके। सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण दिया।
किया। उन्होंने बताया कि NHAI में तकनीकी शब्दों का एक शब्दकोश बनाया गया है जिसके उपयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त सचिव श्री SP सिंह ने मंत्रालय द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से विवरण दिया। इस बैठक में संसद सदस्य श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री S मुनिस्वामी, निदेशक श्री परेश गोयल, NHAI सदस्य श्री आलोक कुमार एवं श्री RK पांडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बक्सर में 3,390 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि NH-922 पर 1,662 करोड़ रुपए की लागत से 44 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला कोइलवर से भोजपुर खंड तैयार किया गया है। NH-922 पर 48 किलोमीटर 4 लेन भोजपुर से बक्सर खंड 1,728 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इन दोनों के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी आसान होगी। इससे बिहार से लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने में लगने वाला 15 घंटे का समय अब घटकर 10 घंटे हो जाएगा। श्री गडकरी ने रोहतास में सोन नदी पर पंडुका के पास बनने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे 2 लेन के एलिवेटेड RCC पुल का भी शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 210 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से अहमदनगर शहर के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पर 331 करोड़ रुपए की लागत वाले व 3.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड स्ट्रक्चर फ्लाईओवर के निर्माण का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर स्थानीय यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात को पृथक करेगा जिससे शहर में यातायात की भीड़ की समस्या का समाधान होगा और इससे दुर्घटना की संख्या में कमी लाने में मदद मिलेगी। संविधान दिवस के अवसर पर मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने परिवहन भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का नेतृत्व किया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव कोऑर्डिनेशन श्री कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव लॉजिस्टिक्स श्री SP सिंह समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।